बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 22 मुंबई वर्सेस केकेआर के बीच में मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में चल रहा है। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले बॉलिंग लेने का फैसला किया था। केकेआर की बैटिंग पहले आई। केकेआर ने 186 का टारगेट मुंबई को दिया। मुंबई की तरफ से बात करें तो मुंबई की स्टार्टिंग धमाकेदार हुई। रोहित शर्मा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन ईशान किशन द पॉकेट डायनामाइट इज बैक। ईशान किशन ने 25 बॉल्स खेलकर 58 रन बनाए, जिस पारी में 5 चौके और 5 छक्के इन्होंने लगाए, 5 गगनचुंबी छक्के इन्होंने लगाए। ताबड़तोड़ फॉर्म में हमें पॉकेट डायनामाइट नजर आए। उन्होंने 58 रन की पारी, आपको बता दे, 232 के स्ट्राइक रेट के साथ खेली। और आप जानते हैं 232 या 230 का जो स्ट्राइक रेट होता है T20 में बहुत ही ज्यादा गजब का माना जाता है। तो अब ये समझा जा रहा है कि वह जो ये पॉकेट डायनामाइट की ये जो पारी थी, ईशान किशन की ये जो पारी थी, वो वही पारी की याद दिलाती है जैसे हम एक दो साल पहले उनको देखते थे। पॉकेट डायनामाइट जिस वजह से उनका नाम पढ़ा था, वैसे ही उन्होंने पारी खेली है। ईशान किशन ने काफी मजबूती में ला दिया है मुंबई इंडियंस को। अनफॉर्चुनेट रहे कि 58 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने उनको अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया और इस चक्रव्यूह में फंसकर ईशान किशन आपके आउट हो गए, लेकिन ताबड़तोड़ उन्होंने पारी खेली। अब कमेंट्स करके अपनी राय बताइए आपको कैसी लगी ईशान की पारी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।